इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। डॉक्टर और अवाम का रिश्ता जो है बिल्कुल बना हुआ है। पिछले मर्तबा जो है डॉक्टर और अवाम का रिश्ता बिल्कुल कट कट चुका था। आज हर डॉक्टर जो ये कह रहा है कि मैं खिदमत करने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम जो है जो हमें काम देंगे वो काम करने के लिए हम डॉक्टर हजरात भी आज आपके साथ खांदा बा खांदा खड़े हुए हैं। तो बहुत ही मुबारकबादी देता हूँ, इससे पहले भी उनके सामने मैंने आते फौरन का अल्लाह आपको और 100 साल जिंदा रखे। के इस वक्त काम करने की नियतें और जज्बे तो बहुत सारों के पास है, हम भी कई 20 साल से चाह रहे हैं कि कोई अस्पताल शुरू हो, कोई अस्पताल शुरू हो, लेकिन मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों काम करने के इरादे बहुत हैं लेकिन काम आगे बढ़कर करने वाले हमारे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है यह कि अस्पताल आई कि यहाँ कोई मजहब और मिल्लत और समाज भेदभाव नहीं है, हर एक की हम खिदमत करेंगे। ये खिदमत खल्क का बेहतरीन रास्ता है, कितने हम लोगों के करीब करीब हो सकते हैं इसके लिए इस वक्त जो है ना बेहतरीन रास्ता, मुस्बत रास्ता, मजबूत रास्ता, मुस्तहकम रास्ता अगर हमारे और आपके सामने इस वक्त है तो ये अस्पतालों का क्याम है। ये अस्पतालों की तरफ हमारी जानी वाली जहां हम और जगहों पर जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा हम सबको इस वक्त जरूरत है कि यहाँ खर्च करें, अपनी जान लगाएं, अपना माल लगाएं, इसको तरक्की की आखिरी हद तक पहुंचाने के लिए जानी कुर्बानी भी दें, माली कुर्बानी भी दें और कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो हाथ उठा के अल्लाह के सामने दुआ करें कि अल्लाह हमसे कुछ नहीं हो सकता लेकिन तू तो मालिकुल मुल्क है, जो कादिर मुतलक है, गाइब से इसके वसाइल इसके लिए मुहैया फरमा। इस दौर में
मुसलसल साल भर से ज्यादा का लंबा अरसा गुजर गया। अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब आसिफ नूरुद्दीन सेठ साहब और आपकी मुकम्मल टीम, और बिलखसूस हरगिज मैं फरामोश नहीं कर सकता उन नौजवानों को जो 100 नौजवानों की एक टीम है जो रातों दिन सुबह शाम अपनी जान को हथेली पे लेकर न जाने आने वाला मैयत किसकी है ये नहीं देखते अपने हैं या पराए हैं, बेलगाम के हैं या बेरुने बेलगाम के हैं, हिंदू है या मुस्लिम है, हर एक के आखिरी रसूमात के लिए जान को खतरे में डालकर ये नौजवानों का एक बड़ा तबका खिदमत खल्क में मसरूफ है। अल्लाह पाक उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और आगे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब मोहतरम राजू सेठ साहब, जो मरहूम नूरुद्दीन सेठ साहब के नक्शे कदम पर, अपने बापी के नक्शे कदम पर खिदमत खल्क में मसरूफ है। मुझे याद है कि चंद दिन पहले एक मजमा में अलहाज फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब, हमारे साबिक MLA ने इन बातों का जिक्र करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए कि यकीनन हमारे खानदान में कोई है जो हमारे वालिद मरहूम नूरुद्दीन सेठ के नक्शे कदम पर चलते हुए, मुकम्मल उसी रास्ते पर चलते हुए खिदमत खल्क मसरूफ है। ये राजू सेठ साहब का खुलूस है जिसने इतने लोगों को जान हथेली पर रखकर काम के मैदान में उतरने पर मजबूर किया है ना, ये इनका खुलूस है, इनकी मोहब्बत है। मैं तो उससे ज्यादा चल रहा था, एक लास्ट काम था जो हमें कोविड केयर सेंटर स्टार्ट करना चाहते थे। इस वेव में हमने जो देखा है नंबर ऑफ केसेस जैसे जैसे बढ़ते गए, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन का सप्लाई शॉर्टेज हो रहा था, इसीलिए अंजुमन की टीम से हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोविड केयर सेंटर इंशाल्लाह स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह कल से ये कोविड केयर सेंटर स्टार्ट होगा। 50 बेड का ऑक्सीजनेटेड बेड का कोविड केयर सेंटर है, तमाम से यहाँ पर माइल्ड से मॉडरेट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा, और पूरी टीम काम कर रही है, सर की सदारत में पूरी टीम पिछले 1.5 साल से काम कर रही है। जब कोविड शुरू भी नहीं हुआ था तब से थॉट्स थे, प्रोसेस थे, इंशाल्लाह ये एक प्रोसेस था जो हमने कंप्लीट किया है, इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिले। आप सबका ताउन चाहिए, हेल्प चाहिए। राजू सेठ साहब एंड देयर फ्रेंड्स, आई डोंट नो, आई लाइक टू कांग्रेचुलेट राजू सेठ for taking such a leadership and building such a wonderful team to serve the community. Heads off to you, sir, for your service, what you are doing. We feel blessed that we could partner with them and give our support in whatever small way we could. And I had assured him that, you know, whatever you are doing, we are always with you, and I stand by my word, sir. Situation of such last year, beds were not available, and if beds were available, it was not affordable to everybody. That is when Raju Seth came up with the innovative idea of, you know, bringing cylinders, and suddenly it stuck to me that, you know, they are doing something and why not be part of them. It started in a small way, started with Anjuman, extended to Alekra, Jan Kalyan Trust, Save India, and so many people started, and wherever opportunity came, we put our step forward to be partner with them for whatever good for the society. Sir, you are doing a wonderful this thing. I wish you all the success for social cause you are undertaken, and any help in any way from our side, we are always there. अंजुमन के मेम्बरान, सभी इदारे के मेम्बरान, अंजुमन की हमारी पूरी टीम जो काम कर रही है, मुझे मुखर भाई ने बताया आपके बारे में,
याद है पिछले साल सलीमुल्ला साहब अच्छा गोरी आए और हमारी पूरी टीम मिल के बांटने गए, उनका शुक्रिया अदा करने गए, तो उन्होंने हमें चाय पिला के इतना ही कहा कि जब तक आप काम कर रहे हैं मैं आपके साथ में हूँ। हम बोले हमको आप लोग तो इस टाइम पे पैसा बना रहे हैं, कम से कम आपका जो खर्चा हो रहा है उतना तो आप पैसा लीजिए। उन्होंने वोच भी लेने से इनकार कर दिया। हमारे बच्चे रात को 2 बजे, रात को 4, सुबह में 4 बजे, दिन के टाइम पे जब भी सिलेंडर लिए जाते हैं, श्रीकांत साहब है यहाँ पे, भट्ट साहब है, कभी कभी भी ये नहीं कहा कि तुम जाके बाजू में खड़े हो जाओ हम बात ले लेंगे। तो आए हमारा काम करके दिए, हम उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ जितने भी इदारे हैं बेलगाम के, अलिकरा हो, शिफा हो, खैबर हो, मदीना हो, हर एकला एक दूसरे काम कर रहा है, हर एकला एक दूसरे की मदद कर रहा है, चाहे हमारे फादर भाई हो, पापा भाई हो, राजा भाई हो, जितने इदारे के हमारे हैं, चाहे हमारे IYC की टीम जो मेडिकल स्टोर का काम हाथ में ली है वो संभाल रहे हैं, दिन रात हमारे शिक्षित भाई और सुनील मणि वाले साहब वो काम कर रहे हैं, हमारे पूरे बच्चे में एक एक का नाम लूँगा तो याद भी नहीं रहेगा मेरे। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जब तक सब हम मिलकर काम नहीं करते तब तक जो हमें डेस्टिनेशन जो अंजाम तक पहुँचना है वो हम नहीं पहुँच सकते। तो मैं कल भी सबको कहा और आज भी कहता हूँ कि आप मेरी ताकत हो, हमारी हिम्मत हो, आप साथ में रहेंगे तो ही हम खड़े हो सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला है, हमें वो ताकत दे, आप हमारे साथ में खड़े रहिए, मिल के खाते से मेरे खाता लगा कि काम करेंगे। ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं और एक बार सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल का जैसे ही कोविड का थोड़ा कम हो जाता है हम आप ही खोलवाएँगे हाथ से, कहाँ ना कहाँ जगह लेकर हॉस्पिटल का।